गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। वेलकम टू एवरीवन। आई होप आप सब घर में होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। सो आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। एंड गाइस, आज मैं वॉइस ओवर के साथ व्लॉग बना रही हूँ। आज से पहले मेरा व्लॉग ऐसे कभी भी नहीं आया है। जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं उन्हें अच्छे से पता है। सो यस, ये वाला जो व्लॉग है, काफ़ी टाइम बाद मैं एक तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एंड इसमें भी काफ़ी आप आगे व्लॉग में देखेंगे कि कितना गैप हुआ है। 2-3 दिन का व्लॉग मैंने मिक्स किया है, बिकॉज सम रीजन्स मैं प्रॉपर क्लिप नहीं ले पाई थी। क्योंकि व्लॉग का मीन्स मेरे लिए है कि जितना मैं व्लॉगिंग करते टाइम इन्जॉय करती हूँ या वीडियो क्लिप शूट करते टाइम इन्जॉय करती हूँ, उतना आपको देखने के टाइम भी उतना इन्जॉय करो और मज़ा आना चाहिए। सो गाइज, इसलिए थोड़ा सा इस बार डिले भी हुआ है। एंड बीच में मैंने काफ़ी सारे हेयर केयर वाले रूटीन के जो वीडियोज़ हैं वो आपको दिए हैं क्वारंटाइन टाइम में, जो आप घर में अपने बालों का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। जो जेन्युइन रिव्यू होते हैं मेरे, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एंड यहाँ पर मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। मैंने ऐड किया है बेसन, जिससे आपकी जो ग्रेवी है वो अच्छी थिक हो जाती है। एंड गाइस, काफ़ी टाइम से मैंने व्लॉगिंग नहीं भी की थी। इसका एक ये भी रीज़न था कि मेरी कुछ कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहा था, लाइक मुझे आई इन्फेक्शन हुआ है जो काफ़ी सीवियर हो गया था। ऑलमोस्ट 5 to 6 days होने वाले हैं। अब जब मैं एडिट करने बैठी हूँ व्लॉग, तब तक तो काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गया है, बट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि ऐसी कंडीशन में मैं कैमरे के सामने आऊँ। मुझे आने में भी अच्छा नहीं लगेगा और आई थिंक आपको देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। सो इसलिए मैंने व्लॉगिंग टोटल अवॉइड की। और इस व्लॉग में भी आप देखेंगे कि पूरे वीडियो में मैं नहीं हूँ, तो कोई बात नहीं। मेरा जो डे रूटीन है, जो बाकी की चीज़ें हैं, वो तो अपडेट करना बनता है। सो गाइज, इस दिन हमें लेना था लैपटॉप, तो काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे, वो भी आज हम जाने वाले हैं, आगे आप देखेंगे। एंड यहाँ पे मैं इस गद्दे का रिव्यू दे रही थी। कुछ टाइम पहले मैंने इसका एक वीडियो बनाया था। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट, नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह के कमेंट आए हैं उसमें। सो गाइज, सीरियसली मैं बताऊँ, जो मैं इसमें देखा आपने, 4 layer का गद्दा है ये। सबसे ऊपर कूलिंग फॉर्म है और इसका ये कवर है, वॉशेबल है, इजी, इसमें आप इसको कवर अप कर सकते हो। जिसके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये होना ज़्यादा अच्छा होता है। एंड सिंगली आप देखो, एक ही बंदा यानी कि मेरे हस्बैंड आराम से इसको कवर कर दे रहे हैं। तो गाइज़, ये जो है मेरा जेन्युइन रिव्यू है। मेरे पास कोई पेड रिव्यू नहीं है, तो जो मुझे फील हुआ वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई नो किसी का एक्सपीरियंस अच्छा या बुरा भी हो सकता है, हर चीज़ के साथ सेम तो नहीं होता, बट मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है। सो गाइज, यहाँ पे हम जो हैं निकल चुके हैं अपना लैपटॉप लेने के लिए। काफ़ी अच्छा सा वेदर था, बारिश का टाइम है, जैसे कि अभी यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, स्टिल थोड़ी गर्मी है। एंड जैसे कि अनलॉक भी स्टार्ट हो गया है, आप देख पा रहे हो मेरे आसपास जो है पूरी तरह से खाली है। आखिर हमें भी ये हमारी ड्यूटी है कि हमें बिल्कुल बाहर नहीं जाना है, अगर तो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है जिसके बिना काम नहीं चल रहा है तो ही जाएँ। हमारे लैपटॉप का आउट ऑफ स्टॉक जा रहा था, काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे थे जो हमें लेना था, तो पर्टिकुलर जिस शोरूम से हमें क्रोमा में लेना है वहाँ हमने कॉल किया, कंफर्म किया। देन वहाँ पे जब वो सेम जो हमें लेना था वो वाला मॉडल अवेलेबल था, तभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं एंड लैपटॉप कलेक्ट किया है। सो गाइस, काफ़ी सारे और भी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं अगर आप शॉप जाते हो तो। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग है जो हम वो भी घर बैठ के ईजिली कर सकते हैं। मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ ऑनलाइन लेने के लिए। सो यहाँ पे मुझे कुछ कुछ बाउल, डिनर सेट, जैसा कि आपको पता है मेरा टूट गया है, वो सब मैं जितना भी ले पाई, जो मुझे ज़रूरत की चीज़ें थी वो ही लीं, बहुत एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिया। गाइज, आने के बाद ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। मेरे हस्बैंड को एक्चुअली, उनको थोड़ा सा क्या बोलूँ मैं, उनको स्टोन का प्रॉब्लम हुआ है एंड पेन वेन हुआ थोड़ा सा। मैं डर भी गई थी कि अचानक से क्या हुआ है। तो डॉक्टर से हमने ऑनलाइन आजकल डॉक्टर अपॉइंटमेंट देने लगे हैं, हमने दिखाया घर से ही, उन्होंने कुछ टेस्ट हमें प्रिस्क्राइब किए और जो अब्डोमन स्कैन था वो भी हमें कराना था, तो उसके लिए तो जाना पड़ा था, बट ये हमने घर में ही बुला लिया था। और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, मुझे भी कुछ ब्लड टेस्ट कराने थे, तो घर में ही हमारा आने के बाद इनके दोनों करा के हम सीधे निकले थे स्कैन के लिए। गाइज, इसके बाद मैं व्लॉग बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, किसी ने हमें बोला तब तक आप आयुर्वेदिक जो मेडिसिंस हैं वो ले सकते हो, लाइक एक पत्थर चट्टा करके एक प्लांट होता है जो मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक लेना होता है आपको, तो वो भी हमें काफ़ी सारे लोगों ने सजेस्ट किया, तो हम यहाँ पर लेने गए थे। गाइज, बहुत ही ब्यूटीफुल सी नर्सरी है, आई थिंक ये 25 acres समथिंग कुछ फैली हुई है, बहुत ज़्यादा बता रहे थे ये। उसके बाद हम घर आए, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा फेस पैक टाइप बना रही हूँ, दाल और दाल चीनी मिक्स करके, और इसे पीस के एक पैक एक डब्बे में रख दूँगी। जब भी लगाना हो आपकी जैसे स्किन टाइप है उस तरह से आप इसमें रोज़ वाटर कर्ड हनी मिला के लगा सकते हैं। एंड यहाँ पे मेरे पास 4 month
एगोल बोल सकते हो आप, ये क्लिप्स थे। तो आई थॉट मैं इसके लिए बहुत अच्छा और सेपरेट वीडियो बनाने वाली थी रिलेटेड टू फैशन और ये, और गाइज ये जो ड्रेसेस हैं ये सारी ऑनलाइन हैं एंड अभी वो साइट्स बंद हो चुकी हैं तो मेरे पास कोई लिंक नहीं है इनको देने के लिए। बट मुझे बहुत ही पसंद है, अच्छी खासी एम्ब्रॉयडरी है, आप कैसे भी गेटअप लुक में इन्हें कैरी कर सकते हो। तो ये कुछ दो ड्रेसेस हैं, आई होप आपने आज का मेरा वीडियो है वो इन्जॉय किया होगा और मिलती हूँ आपको एक और न्यू इंटरेस्टिंग और अच्छे वाले व्लॉग के साथ। होपफुली नेक्स्ट टाइम जब भी मेरा व्लॉग आए बहुत ही अच्छे से और एनर्जेटिक लेके आऊँ। तो यही है, आपको ये पसंद आया होगा या नहीं, बिकॉज ऐसे ब्लॉगिंग मुझे करना पसंद तो नहीं है बट स्टिल काफ़ी टाइम हो गया है, मैं डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहती हूँ इसलिए आपके साथ अपडेट्स तो शेयर करने बनते ही हैं। बाय बाय।